हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ दीप्ति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोटी वाली लाल मिर्च के अचार की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए लाल मिर्च के अचार की रेसिपी को शुरू करते हैं। लाल मिर्च का अचार रखने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम मोटी वाली लाल मिर्च ले ली है। और सबसे पहले हम अपनी सारी मिर्चों को इस तरीके से क्लीन टॉवल से एक एक करते हुए पोंछ लेंगे। और अब हमें इन्हें धूप में सुखाना होगा। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ छत पे धूप में अपनी मिर्चों को सुखाने के लिए। और अब हमें अपनी मिर्चों को लगभग एक घंटे के लिए धूप में रखना होगा, क्योंकि धूप में रखने से इनके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो सारा खत्म हो जाता है और हम अचार को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। मिर्चें रख दी हैं मैंने धूप में और लगभग इन्हें एक घंटे के लिए धूप में रखना होगा। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी बैठ के खा रही है मूँगफली। और एक घंटे के लिए हम लोग बैठते हैं धूप में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। एक घंटा हो गया है और अब मैं मिर्चों को धूप में से लेके आ गई हूँ। तो हमारी मिर्चें सूख कर अब एकदम तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें काट के तैयार कर लेते हैं। तो काटने के लिए पहले हम पीछे से इनका ये डंठल कट कर देंगे और इनके अंदर जो ये बीज वाला पार्ट होता है वो हम सारा निकाल देंगे। और अंदर से हम अपनी मिर्च को पूरी तरीके से खाली कर देंगे। और अगर आप इस तरीके से अपने मिर्च का अचार रखेंगे तो वो मिर्च का अचार आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से हम अपनी मिर्च को अंदर से पूरी तरीके से खाली कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी जो मिर्च है अब ये पूरी तरीके से खाली हो गई है। तो एक और तरीका मैं आपको मिर्च काटने का बताती हूँ। इसका डंठल हम कट करने के बाद ऊपर से हम मिर्च को कट कर देंगे और इस तरीके से हम बीज निकाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है मिर्च को अंदर जो भी उसका बीज वाला पार्ट होता है उसे निकालने का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी मिर्चों को काट के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों में हम सबसे पहले लेंगे 50 ग्राम पीली सरसों, 40 ग्राम सौंफ, 30 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सफ़ेद नमक, 2 बड़े चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच कलौंजी और 2 नींबू। और उसके साथ ही हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने जो ये खड़े मसाले लिए हैं इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है धनिया। कुछ सेकंड ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी दाना और उसे भी हम कुछ सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं सौंफ। और सौंफ डालने के बाद भी हम कुछ सेकंड के लिए उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब हमारी सौंफ ड्राई रोस्ट हल्की हल्की होने लगे तभी उसके बाद मैं पीली सरसों ऐड कर देती हूँ। और कुछ सेकंड के बाद मैं इसमें जीरा और अजवाइन को भी ऐड कर देती हूँ। और अब हम अपने मसालों को भून लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए मैंने मसालों को भून लिया है और मसाले हल्के हल्के से चटकने लगेंगे और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और जैसे ही मसाले ठंडे हो जाते हैं तो मैं इन्हें पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अचार रखने के लिए मैंने सारे मसाले पीस के तैयार कर लिए हैं। और अब हमने जो ये मिर्चें कट करी थी उनके पीछे का जो डंठल था और अंदर का जो बीज वाला पार्ट होता है तो उसमें से हम डंठल को हटा देंगे, क्योंकि इनका यूज हमें अचार में नहीं करना है। और उसके बाद जो ये बीज होते हैं इनमें जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट है उसे भी हम हटा देंगे, क्योंकि उसका भी हमें यूज़ नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने ये जो बीज हैं मिर्च के इन्हें रखना है और इनका ही यूज हम अचार में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो बीज हैं इनको अलग कर लिया है और एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है। तो इसके ऊपर ही हम अपने पिसे हुए सारे मसाले ऐड कर लेंगे। और उसके बाद बाकी बचे मसाले जैसे हींग और कलौंजी, काला नमक, हल्दी और अब डाल देंगे सफ़ेद नमक। और सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 2 नींबू और इनका मैं रस निकाल लूँगी। उसके बाद हम अपने मसालों में ऐड कर लेते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पे सरसों का तेल उतना ही यूज़ करना है जितना कि आपके सारे मसालों में अच्छे से बाइंडिंग होने लगे, यानी कि हम मसाले को अच्छे से मिर्च के अंदर भर सकें। तो ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे बिल्कुल एकदम बाइंडिंग जैसा बना लेंगे। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो ये मसाले का मिक्सर है ये अच्छे से बाइंड हो रहा है।
तो अब इसमें और ज़्यादा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम थोड़ा सा मसाला ले लेंगे और अपने मिर्च में हम इस तरीके से चारों तरफ लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ पे आपको लगे वहाँ वहाँ पे आप इसमें मसाला फिल कर दीजिए। और ये देखिए हमारी मिर्च तैयार है। तो लाल मिर्च के अचार में मैंने आमचूर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि आमचूर डालने से लाल मिर्च का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप इसे लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू या फिर वाइट विनेगर का इस्तेमाल ही करें क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करते हैं और हमारा अचार काफ़ी लंबे समय के लिए आसानी से चल जाता है और हमारा अचार खट्टा भी हो जाता है। तो ये देखिए सारी मिर्चें मैंने मसाला भर के तैयार कर ली है और हमारी मिर्चें एकदम तैयार हैं। तो चलिए अब हम इन्हें स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लीन जार का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी जार ले सकते हैं पर आपका जार एकदम क्लीन होना चाहिए और हम हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे मिर्चों को जार के अंदर फिल करने के लिए। आप किसी भी स्पून का इस्तेमाल करके ही इनको अपने जार में फिल करिएगा और उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि हमारी मिर्चें जल्दी गल जाएं और हमारा जो अचार है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो अगर आपको ये लाल मिर्च के अचार की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।